हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नदीम, टीम केमिस्ट्री। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ दंगल 6, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा ऑर्गेनिक और फिजिकल का पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन फॉर्म मीथेन। तो आप जानते हो वुड्स रिएक्शन से जो होता है वो एल्केन बनता है, बट जितने कार्बन होते हैं उससे डबल बनता है। तो अगर आप एक भी कार्बन का एल्काइल हैलाइड लिया आपने, इसे मान लो CH3Cl ले लिया और इसमें डाल देते हैं सोडियम और ड्राई इथर, तो ये क्या देगा? CH3CH3। मीथेन नहीं मिल सकता इसे। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस सेम उसी तरह से है, RCOONa एक्वस। जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो R मेजर प्रोडक्ट ये बन जाता है। तो कहने का मतलब कि चेन की क्या हो रही है? लेंथेनिंग हो रही है, डी कार्बोक्सिलेशन। तो इसमें जब आप RCOONa डी कार्बोक्सिलेशन जैसे सोडा लाइम रिएक्शन करा दिए, NaOH प्लस CaO हीट, तो आप जानते हो ये निकल जाता है यहां से और RH। तो जैसे मान लो एग्जांपल तौर पे मैं ये ले लूं, अगर CH3COONa और इस पर आप सोडा लाइम करा दिया आपने, सोडा लाइम रिएक्शन, तो क्या बनेगा? CH4 और फाइनली क्या बन जाता है? Na2CO3। तो मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई सोडियम डी कार्बोक्सिलेशन सोडियम एसीटेट। ये क्या है? सोडियम एसीटेट। प्रोपियोनेट में तीन कार्बन होंगे, एक कम कर दोगे तो क्या मिलेगा? इथेन मिल जाएगा। तो मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट, द एटॉमिक मासेस ऑफ टू एलिमेंट पी एंड क्यू आर 20 है। देखो पी है और क्यू है, इसका मास दिया है 20, इसका दिया है 40। एक्स ग्राम ऑफ पी में वाई एटम है, तो देखो एक्स ग्राम दिया है इसका, इसका मोल निकालोगे तो डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई एन ए इक्वल टू, उसने बोला है कि इसमें कितने एटम है? वाई। तो अपन बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 20y डिवाइडेड बाई एन एक्स हो गया। अब बोला है हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट 2x ग्राम ऑफ q, तो एटम इक्वल टू, पहले इसका मोल निकाल लेते हैं, 2x डिवाइडेड बाई 40 इंटू एन, इतना होना चाहिए। सारे आंसर y के टर्म में है तो y को x को रिप्लेस कर दो यहां से, तो इक्वल टू 2/40 इंटू x की वैल्यू है 20y डिवाइडेड बाई एन ए, और यहां बचा क्या है अभी? एन ए, ये कट गया, ये देखो 40 से 40 कट गया, तो इक्वल टू क्या आ गया? y, आंसर आ गया। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो मेटामेरिज्म बाई 2 डिग्री अमीन। तो 2 डिग्री अमीन बनाने के लिए आपको कम से कम 2 कार्बन तो वैसे भी चाहिए, लेकिन मेटामेरिज्म में क्या होता है? अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर तो पॉसिबल है ही नहीं, 3 कार्बन में देख लेते हैं। जैसे मान लो 3 कार्बन का एमीन 2 डिग्री अमीन बना दिया, अब 2 डिग्री अमीन इसका दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, लेकिन 4 कार्बन के साथ अगर देखें, 4 कार्बन के साथ NHC, तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर और क्या पॉसिबल है? सी बॉन्ड NHCC। ठीक है, तो मेटामेरिज्म कौन शो करता है? बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट ग्रुप और मेन फंक्शन सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ इधर या अपोजिट साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो इसमें इधर मिथाइल है, इधर इथाइल इथाइल है, जबकि इधर है मिथाइल है और इधर क्या है? प्रोपाइल है। तो ये मेटामेरिज्म हमारा हो गया। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना चाहिए हमें? 4 कार्बन। विच एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से क्या नहीं बना सकते हैं? जैसे एराइल अमीन या विनाइल अमीन ना? और गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से वैसे क्या बनाते हैं? 1 डिग्री एल्किल अमीन बनाते हैं। सीधी सी बात ये, 1 डिग्री एल्किल अमीन, 1 डिग्री एल्किल अमीन हमें बनाना है। तो देखो ये एल्किल है, CH2NH2, ये बना सकते हैं। ये देखो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री तो बनता ही नहीं है, ये गड़बड़ हो गया। और ये विनाइल अमीन है, तो ये गड़बड़ हो गया।
तो बोथ क्या हो गया, वन एंड टू. नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ वन डिग्री एरोमेटिक ऑक्टेन. तो देखो ये हाफ मैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है. हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है, डिग्रीडेशन प्रोसेस. कहने का मतलब ये है कि जब आप आर सी ओ एन एच टू पर बी आर टू एन ए जब डालते हो तो ये क्या बनता है, आर एन एच टू. डिग्रेडेशन प्रोसेस, एक कार्बन क्या हो जाता है, कम हो जाता है. दूसरा देखो इसमें, इट इज इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है ना, इंटरमोलिकुलर नहीं होता. तो देखो एक तो अमाइड इसका बनेगा, एक अमाइड इसका बनेगा, इसका अमाइड बनेगा तो क्या बनेगा, अरे सॉरी अमाइड है तो इसका क्या बनेगा, एन एच टू फोर्टीन. इंट्रामोलिक अंदर अंदर ही माइग्रेशन होता है, और इसका बनेगा तो क्या बनेगा, एक ये बन जाएगा डी एन एच टू फिफ्टीन. तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है और एक प्रोडक्ट क्रॉस नहीं बनता है इसका. जो माइग्रेशन होता है इसमें आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट में, उसमें इंट्रामोलिकुलर ही होता है, मतलब खुद का ही बनेगा. जो यहां पे आर होगा उसी का एमीन बनेगा, ठीक है, इंटरक्रॉस नहीं होता इसका. तो एक इसका बना, एक इसका बना, आंसर कितना हो गया हमारा, टू. विच वन इज मेजर प्रोडक्ट, एसी टू ओ. तो एसाइलेशन हो जाएगा, पहले एसाइलेशन करा दिया. इधर है देखो एम ई, इधर क्या हो जाएगा, एन एच सी डबल बॉन्ड ओ एम ई, एसाइलेशन. अब इसका देखो प्लस आर इफेक्ट है, इसका है प्लस एच इफेक्ट. तो आने वाला जो ब्रोमीन है बी आर पॉजिटिव, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा तो खैर भरा हुआ है. अब इसका प्लस आर है, इसका प्लस एच है, तो डायरेक्ट मेजरली किससे होगा, वो प्लस आर से. तो प्लस आर से अगर डायरेक्ट होगा, क्योंकि रेजोनेंस डोमिनेट ओवर हाइपर कंजुगेशन, तो ऑर्थो पे आएगा, पैरा पे आएगा, और पैरा ऑक्यूपाइड है तो किस पर आएगा, ऑर्थो पे आ जाएगा. ये वाला देखो हमारा सेकेंड आ रहा. नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो कार्बिल अमीन रिएक्शन हो गया. तो ये ऐसे कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है. तो क्या बनेगा इसका, वन टू थ्री, एक दो तीन, और इधर एन बन गया और सी, आइसोसाइनाइड हो गया. हाइड्रोलिसिस कर दो, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोलिसिस करोगे वापस से ये एमीन दे देगा यहां पे, और प्लस क्या बनेगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ. Give one of the product during reaction can give silver mirror test. आप जानते हो formal formic acid, aldehyde देते हैं silver mirror test, और acid में सिर्फ कौन देता है, formic acid देता है. तो ये वाला हमारा answer क्या है, सही है. बाकी rimetaman ये सब नहीं है, ठीक है. Product आपके सामने है दोस्तों. ये हो गया हमारा कौन सा, A, और मान लो ये B हो गया और ये C हो गया. Next, Grignard reagent can act as a न्यूक्लियोफाइल, आर एम जी एक्स नेगेटिव. अब आप जानते हो आर अगर नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है, और बेस. तो आप जानते हैं सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होता है. देखो ये एसिडिक ग्रुप है तो इसके साथ ये क्या दिखाएगा, एसिड बेस रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक नहीं दिखाएगा, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन. तो इसके साथ तो एसिड बेस हो गया. देखो यहां पर एसिडिक ग्रुप है, टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल एल्काइन के पास अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो एसिडिक होता है, एसपी हाइब्रिडाइज. यहां एसिडिक है तो इसके 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 साथ तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन, और इसके साथ क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो किसके साथ ये न्यूक्लियोफाइल काम किया, फोर के साथ, जबकि बाकी सभी के साथ किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होता है, एसिड बेस, तब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है. नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग. तो देखो यहां ये मैग्नीशियम है, ये ईथर है, तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. यहां पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव. अब CO2 है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये जानते हो इधर जाएगा, ये अटैक इधर, तो ये फाइनली क्या बन रहा है, मतलब यहां पे मैं लगा दे रहा हूं COO नेगेटिव, और देखो यहां पे प्लस भी है तो COOH आ जाएगा फाइनली. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, H. नंबरिंग कर दो इसका, वन टू थ्री फोर,
2 methyl butanoic acid. Product is 2 methyl butanoic acid. Product is 2 methyl butanoic. अब देखो ये 1, 2, 3, 4 chiral है कि नहीं है, तो optically क्या होगा? Active. तो 2 methyl butanoic acid is optically active. Second answer हो गया. How many compound given below can give effervescence of CO2? NaNH3 के साथ कौन कौन देता है? एक तो देता है picric, कॉमा COOH ग्रुप हो, SO3H ग्रुप हो, और क्या होता है? पैरा नाइट्रोफिनॉल मेनली. वैसे तो ऑर्थो देता है, अरे ऑर्थो भी देता है, बट अगर ऑर्थो पैरा में से एक आपको सेलेक्ट करना है तो पैरा नाइट्रो. अब ऐसा वाला देख लो. देखो ये हो गया सल्फोनिक है, तो ये हो गया पिक्रिक, हो गया ये, हो गया ये, हो गया. फिनॉल नहीं देता है, ठीक है. तो कितने हो गए अपने पास? 1, 2, 3, 4, 5 हो गए हमारे. नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ मोनोसैकेराइड हैड सी टू एपीमर? सी टू कौन सा होता है? ग्लूकोज एंड मैनोज. ग्लूकोज हो गया सी एच ओ 1, 2, 3, 4, 5. तो ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच ये हो गया, ठीक है. और मैनोज में सी एच ओ तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 किस कार्बन पे, किसी सेम कार्बन पे अगर ओरिएंटेशन क्या हो, डिफरेंट हो, तो आपस में क्या होते हैं? वो एपीमर्स होते हैं. तो देखो सेकेंड पर ये OH है इधर, इसका सेकेंड पर OH क्या है? लेफ्ट है. बाकी सब पे देखो मैच कर रहा है, तो सेकेंड कार्बन पे इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो हम बोलेंगे ये क्या है? सी टू एपीमर्स. यस. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड ग्लाइसिन सल्फानिलिक एसिड एंड एंथ्रानिलिक एसिड. तो देखो इसमें क्या होता है, विच फॉर्म ज्विटर आयन? ज्विटर आयन बनाने के लिए आप ऐसे समझो कि सभी में सी ओ एच के साथ क्या होना चाहिए? एन ए, मतलब सी ओ एच नहीं, मतलब एक ऐसे होना चाहिए, एसिडिक ग्रुप भी होना चाहिए, एसिडिक ग्रुप और प्लस इसमें क्या होना चाहिए? बेसिक ग्रुप भी होना चाहिए, एसिडिक ग्रुप भी होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए इसमें? बेसिक ग्रुप. तो ये जितने भी हैं, ग्लाइसिन है, सल्फानिलिक एसिड है या एंथ्रानिलिक एसिड है, सभी में क्या होता है? एसिडिक ग्रुप भी होता है और क्या होता है? प्लस बेसिक ग्रुप भी होता है. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लाइसिन जैसे है तो यहां पे क्या होता है? एच. एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों है, तो ये इसमें तो ऐसे टिकेगा नहीं, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, COO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव. तो ये क्या हो गया? ज्विटर आयन हो गया इस टाइप. तो जिसमें एसिडिक बेसिक ग्रुप है वो सभी क्या बना सकते हैं? ज्विटर आयन. सभी में, सभी में. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव ओनली थर्मोप्लास्टिक? चलो अब आपको ये तो याद ही करना पड़ेगा. तो थर्मोप्लास्टिक सारे क्या होते हैं? प्लास्टिक ही है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड ना, ज्यादातर थर्मोप्लास्टिक कौन से हैं? जो एडिशन पॉलीमर्स हैं वही ज्यादातर क्या है? थर्मोप्लास्टिक है. तो याद रखना पड़ेगा इसको. थर्मोसेटिंग पॉलीमर देखो ये सब होता है, बहुत हार्ड नेचर के होते हैं, बेकेलाइट हुआ, ये सब है. नेक्स्ट देखते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन कौन सा होता है? PHBV और नायलॉन 26 होता है, और कौन सा होता है? PHBV, ठीक है. नेक्स्ट, नेम ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बना जाता है ना, रेटिनॉल. नेक्स्ट,
0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड वाइल बन, तो आप जानते हो एक एंटीसेप्टिक होता है, एक डिसइंफेक्टेंट होता है, 0.2% थोड़ा हल्का होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो किसकी तरह आई ईयर ड्रॉप में यूज होता है, एंटीसेप्टिक, और कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया 1% तक, तो किसकी तरह होगा, डिसइंफेक्टेंट। तो पहला होना चाहिए एंटीसेप्टिक, दूसरा होना चाहिए डिसइंफेक्टेंट। सब एनसीईआरटी लाइन है सब इसमें। आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी देखो मेन फंक्शन ग्रुप ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया 3,3-dimethylcyclohexane-1-ol, 3,3-dimethyl-1-cyclohexane-ol, ठीक है 3,3-dimethyl, ये गलत है यहां पे, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट जो होते हैं उनसे दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। अब जहां सेम होगा भाई नहीं करेगा, तो देखो यहां पर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉइंट है, यहां दो डिफरेंट तो है बट यहां दोनों क्या है, सेम है, तो ये वाला शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, देखो भाई यहां sp3 है, यहां sp2 है, sp2 कैसे है, रेजोनेंस, यहां sp2 है और रेजोनेंस भी है, sp2 है और क्या है, रेजोनेंस, sp2 है और क्या है, रेजोनेंस, यहां सिर्फ क्या है, sp2 है, ठीक है। तो आप जानते हैं रेजोनेंस क्या करता है, बेसिक बिहेवियर को डिक्रीज करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बेसिक बिहेवियर को क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो आप जानते हैं sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन इसमें कौन सा है, 4 वाला, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, 4। अब देखो 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, अब सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, तो सभी का वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, सेम। अब देखो इसमें sp2 के साथ क्या है, रेजोनेंस में भी है, इसमें भी रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस भी क्या करता है, बेसिक बिहेवियर को डिक्रीज, बट यहां पे ये वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इन दोनों से ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, 4 के बाद फर्स्ट, देखो ये आ रहा है, ठीक है। विच रिएक्शन अकर विद ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन एंट्रोपी, तो जैसे सॉलिड से गैस जाए, सॉलिड से एक्वस चला जाए, या गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। जैसे लिक्विड से देखो गैस में जा रहा है और 3 मोल भी बन रहे हैं, गैस से गैस में गया इधर भी 2 है इधर भी 2 है, सॉलिड से गैस में गया इधर देखो गैस 1 है इधर भी गैस 1 है, इधर 2 मोल गैस था इधर भी 2 मोल गैस है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कहां बढ़ रहे हैं, पहले से इस वाले में बढ़ रहे हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, द शेप ऑफ XeF4, XeF5 नेगेटिव एंड SnCl2 आर रेस्पेक्टिवली, इनके शेप के बारे में आपको बताना है किसकी क्या शेप है। तो पहला देखते हैं XeF4, XeF4 है, इसकी शेप की बात करो तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन इसका कैलकुलेट करते हैं, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 8+4/2, 6, और 6 के लिए क्या होता है sp3d2, और sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है। वहां पर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ऑक्टाहेडल ज्योमेट्री है, ये ऑक्टाहेडल ज्योमेट्री आती है, लेकिन यहां पर आप देखियोगे कि यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल है 6 और लेटरल एटम है 4, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 4, तो 2 लोन पेयर होंगे, तो 2 लोन पेयर को रखोगे, लोन पेयर को उस प्लेस पे रखा जाता है जहां पर रिपल्सन मिनिमम लगे, आमने सामने रखोगे, तो कैसी ज्योमेट्री होगी, स्क्वायर प्लेनर, तो ये वाला होगा स्क्वायर प्लेनर। ऐसे नेक्स्ट देखो XeF5 नेगेटिव, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 8+5+1/2, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, मोनोवेलेंट एटम में 5, एनायन को आप ऐड कर देते हो कितना होगा, 14/2, 7, और 7 के लिए क्या होता है sp3d3, sp3d3 के लिए बात करते हैं पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, जहां पर ये 7 है और ये कितना आ गया आपके पास में 5, तो 2 क्या बच गया आपके पास, लोन पेयर, तो यहां पर लोन पेयर को रखा, तो कैसी आ गई ज्योमेट्री, तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल थी लेकिन शेप आपकी कैसी होगी, पेंटागोनल, कौन सी होगी, पेंटागोनल प्लेनर। और ऐसे ही SnCl2 को बात करें, SnCl2 हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है, लेकिन दो ही सीएल यहां पे प्रेजेंट है, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे, तो कैसा होगा, वी शेप, इसी को बोल देते हैं बेंट और एंगुलर, तो कौन सा होगा, थर्ड वन। तो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आपको उसकी ज्योमेट्री बतानी है, और लॉन पेयर उसको फिर रखकर लॉन पेयर को हटा दो, उससे जो बची होती है वो आपकी शेप होगी। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है,
इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, हेलोजन्स आर कलर ड्यू टू होमोलोमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सही है, डायटोमिक स्पीसीज होती है, उन डायटोमिक स्पीसीज के अंदर जो हाइस्ट ऑक्यूपाइड होता है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये तो क्या हो गया होमो, और आगे वाला जो वैकेंट बचा होता है उसको बोल देते हैं लूमो, तो इनके बीच में ट्रांजिशन से, होमोलोमो के बीच में ट्रांजिशन से कलर होता है डायटोमिक स्पीसीज में, हेलोजन है डायटोमिक स्पीसीज है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन इज हायर देन एटॉमिक ऑक्सीजन, ये पूछा है मोलिकुलर की ज्यादा होगी, देखो ऑक्सीजन एटम की अगर बात करो, लास्ट वाले और बीटल्स की अगर बात करें, ये वाले होते 2p4, ये वाला हो गया 2p4, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां से लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उस एटम की। जब इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम आप बनाते हो तो मॉलिक्यूलर डायग्राम के अंदर आप देखो, ये सिग्मा 2pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पाई 2px और ये पाई 2py, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन एंटीबॉन्डिंग में जाते हैं, पाई 2px पाई 2py, ये है एंटीबॉन्डिंग, तो 14 के बाद में 15 16, ये तो O2 के रेस्पेक्ट पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये एटम का है। अब इधर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, एटम से निकालना इजी है या फिर O2 से? तो हमें पता है एटम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम है, ये ज्यादा स्टेबल है, और एंटीबॉन्डिंग से यहां पे इलेक्ट्रॉन किससे निकाल रहे हो आप, एंटीबॉन्डिंग, एंटीबॉन्डिंग किसको रिप्रेजेंट करता है, रिपल्सन को, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, O2 मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि हम ये जानते हैं ये वाला होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये होता है BMO, ये क्या होगा ABMO, तो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में BMO है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जबकि ABMO से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये वाला आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। व्हेन CO लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन देन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, क्योंकि CO के अंदर अगर बात करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, जब इसका इलेक्ट्रॉन देखोगे, देखो होमोडाइटॉमिक स्पीसीज नहीं है, हेटरोडाइटॉमिक स्पीसीज है, लेकिन एडजेसेंट ग्रुप के नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे जो इसका अपर ऑर्बिटल होता है वो एंटीबॉन्डिंग वाला होता है, तो एंटीबॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, सही है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज व्हेन N2 गेन एन इलेक्ट्रॉन, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, जैसे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंटीबॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और एंटीबॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है, ये वाला भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये तो डायरेक्ट आपको पता होता है, क्या कौन सा होता है, HClO, ये करेगा, क्योंकि यहां पर क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर ये इजिली नेसेंट हाइड्रोजन देगा एक टाइप से, तो कौन सा हो जाएगा HClO, ठीक है। द एटोमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन UnQ, UN किसके लिए आता है, 1 के लिए, N कहां से आता है, nil किसके लिए होता है, 0, Q कहां से आता है, quad किसके लिए होता है, UnQ। द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, जिसके बेसिस पे आप दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो कौन सा होगा, फर्स्ट वन। विच हैज मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, हम जानते हैं बिस्मिथ होता है नाइट्रोजन फैमिली का, ये +3 में स्टेबल होता है, एल्यूमिनियम किसमें होता है, +1 के अंदर होता है, लेड किसमें होता है, +2 के अंदर होता है, इन तीनों में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, और SN किसमें स्टेबल होता है, +4 में, तो कौन सा हो गया, लेड। वीकेस्ट बॉन्ड इज, तो ये तीनों देखो, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों केमिकल बॉन्ड है जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिजिकल बॉन्ड है, फिजिकल बॉन्ड आर वीकर बॉन्ड देन केमिकल बॉन्ड। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डायरेक्शनल, आपको पता है ये तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, जबकि एस स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, तो कौन सा हो गया, फोर्थ वन। द कंपाउंड हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन इज, काउंट करके देखो, सबके इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख लो, यहां पर जीनोन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख लो, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, जीनोन की बात करें तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, जीनोन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 8, फ्लोरीन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक के पास में 7 होता है, दो के पास में कितना होगा, 14, तो कितना होगा, 22, ठीक है। ऐसे ही NaCl, इसको कैलकुलेट करके देखो, सोडियम का कितना होता है,
टोटल काउंट भी कर सकते हो 11, और क्लोरीन का कितना होता है 17, ये हो गया। नाइट्रोजन की बात करोगे आप, टोटल काउंट करते हैं, चलो ये 7 + 3 कितना होगा 10, क्लोरीन की बात करो कितना होगा 17, एक ऑक्सीजन पे होता है 8, कितना होगा 16, 23, तो क्या होगा ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Cl। Which of the following is present in lead pencil? Lead pencil के अंदर graphite present होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। Which of the following statement is strong? Ammonia is more poisonous than PS3. नहीं, अमोनिया को तो बहुत जगह यूज में आता है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसके बेसिस पे है, और ये लर्न करने वाला है कि फॉस्फिन होता है वो ज्यादा पॉइजनस होता है। फास्ट हो गया, अमोनिया इज मोर बेसिक देन PS3, ये वाली बात सही है, इसके पास लोन पे डोनेट करेगा इजीली, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, सेकेंड सेल का होता है, जबकि PS3 में वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाती है। बाकी सारी स्टेटमेंट सही, PS3 इज मोर स्टेबल देन PS3, ये वाला भी सही है, PS3 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये ज्यादा सोल्यूबल होता है, ठीक है, क्योंकि EN के डिफरेंस के कारण आप देखोगे P और H दोनों के EN तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं 2.1, तो इसमें डिफरेंस के कारण अमोनिया के कारण पोलरिटी बढ़ जाती है, इसलिए वाटर सोल्यूबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एम्फोटेरिक? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक होते हैं, और Mn होता है +4 में एम्फोटेरिक होता है, तो यहाँ पे क्रोमियम किस में प्रेजेंट है +3 में, जबकि Mn किस में प्रेजेंट है, Mn प्रेजेंट है +7 के अंदर, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने के साथ में तो क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ वो इंक्रीज होगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग द इनकरेक्ट, पहले तो बताना है, ये हो गया, पहला है EFGR रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं, पहले तो ये अगर बना है ये वाला, तो ये कैसे बना होगा, बाई टॉटोमेरिज्म। आप जानते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ एटम क्या रहता है, सेम, ठीक है, देखो कहां पोजीशन ऑफ एटम सेम है, यहां पे, यहां से एच उठ के यहां पे आ गया है, यहां से पहला वाला ही क्या हो गया, गलत हो गया, ई एफ है या ई जी है, तो जैसे हमने बताया कि टॉटोमर है, सही बात है, एफ जी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एफ और जी देखो, एफ वाला क्या है ओ एच सी एस थ्री अपोजिट, ओ एच सी एस थ्री एक साइड है, ठीक है, तो आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, एफ एन जी आर डाइस्टीरियोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपस में क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर भी होते हैं, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, फर्स्ट, बिकॉज रेजोनेंस में एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, कंपेयर द सी एन बॉन्ड लेंथ, तो देखो रेजोनेंस, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ उतना ही क्या होगा, कम होता है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर क्या आता है, ज्यादा। अब इसमें देखो, यहां से ये इधर आया, ये इधर आया, ओ पर जा रहा है, इसमें यहां रेजोनेंस, ये इधर आया, ये इधर आया, लेकिन सी पर जा रहा है, यहां पर रेजोनेंस क्या है, कम है, तो सबसे कम रेजोनेंस कहां पर है, यहां पर है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल का सी में होगा, सी कहां पर है, ये यहां पर है और यहां पर है। अब इसमें देखो, इसमें भी तीन बार हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, बट यहां पर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, क्योंकि यहां किस पर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज ओ पर जा रहा है, और यहां पे किस पर जा रहा है, कार्बन पे, तो इफेक्टिव रेजोनेंस कहां पे ज्यादा होगा, इस वाले में, तो ओवरऑल देखा जाए तो रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, मोर द रेजोनेंस इफेक्ट लेसर द बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड, तो सबसे ज्यादा जो होगा वो किसका होगा, अच्छा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका हो गया, सी का, उसके बाद किसका आएगा, बी, फिर उसके बाद ए, थर्ड आंसर होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ उतना ही क्या होता है, कम होता है, उतना ही क्या होता है, कम होता है, जब डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहां पर है, ए में, तो इसका मतलब उसके सिंगल बॉन्ड का, सी एन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ उतना ही क्या होगा, कम होगा। IUPAC नेम दस नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मिथाइल इथाइल मिथाइल,
तो 5-ethyl, 4-6-dimethyl, 5-ethyl, 4-6-dimethyl, octa-1-4-di, ये आंसर हमारा। सेक्शन बी में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पेप्टाइजेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन, ब्रेगिट आग मेथड, गोल्ड नंबर इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल मच, ये गलत है। एनसीईआरटी में बिल्कुल देखोगे टिंडल इफेक्ट पास दो कंडीशन दिया हुआ है, तो उसमें क्या दिया है कि डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल मच स्मॉलर नहीं होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है, तब जाके टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो ये फोर्थ आंसर हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द बॉडी सेंटर्ड, बीसीसी, तो बीसीसी में आप जानते हो कहां कहां एटम होते हैं, कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे, तो बॉडी सेंटर जो है कितने कॉर्नर से, कॉर्नर से बॉडी सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, √3a/2, तो कितने से घिरा हुआ है, √3a/2 पर 8 एटम से घिरा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग इतना इनिशियल कंसेंट्रेशन, हाफ लाइफ ये दिया हुआ है, द रेट कॉन्स्टेंट, देखो ए नॉट माइनस एटी इक्वल टू क्या होता है के टी, और टी हाफ की अगर बात करेंगे तो एटी जो बचा होगा वो पहले का आधा हो जाएगा, तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू इक्वल टू के टी हाफ, तो ये बचा हुआ कितना, ए नॉट बाई टू इक्वल टू के टी हाफ, ठीक है। अब ए नॉट पहले कितना था, 0.02/2 इक्वल टू के टी हाफ, हमारे पास कितना है 100, सो के इक्वल टू कितना हो गया, देखो ऊपर आएगा 2×10^-2/100, 2 से 2 गया ये आ जाएगा 10^-4, 1×10^-4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये सब दिया हुआ, देखो ये कंसंट्रेशन दिया है रिएक्टेंट का, ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है, तो आपको पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो देखो दो तो हमारे पास सिलेबस में है ही कम से कम, एक जीरो ऑर्डर और एक क्या फर्स्ट ऑर्डर, तो अगर डिफरेंस ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू ये, अगर टाइम इंटरवल कॉन्स्टेंट है ऑलमोस्ट, और अगर ये डिफरेंस भी कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर। दूसरा है ln a नॉट बाई ए टी इक्वल टू के टी, अगर ये कांस्टेंट है टाइम इंटरवल, तो इनका अगर रेशियो कांस्टेंट आ रहा है तो आएगा कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो अभी इनका मैच करा के देख लो कि डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम आएगा इसका, डिफरेंस का मतलब जैसे दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, टाइम इंटरवल, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ना, तो अगर टाइम इंटरवल कांस्टेंट है, डिफरेंस अगर इनका कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब वो किस ऑर्डर के इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, जीरो ऑर्डर के, और अगर टाइम इंटरवल कांस्टेंट है और रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, तो किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट, तो निकाल के देख लेना आपका जीरो ऑर्डर ही आएगा इसका, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट आएगा डिफरेंस। यस, व्हेन 1 ग्राम चारकोल केप्ट इन SO2CO2 कंटेनर, द करेक्ट ऑर्डर अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस जो जल्दी लिक्विफाई होगा वही जल्दी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब इसमें देख लो मोलर मास देख लो, इसका कितना आएगा 64, इसका आएगा 44, इसका आएगा कितना 2, तो जितना ज्यादा मोलर मास होता है उतना बीच में क्या होता है इंट्रैक्शन, वही जल्दी लिक्विफिएबल होता है, वही जल्दी फिर क्या होगा एब्जॉर्ब भी होगा, तो सबसे ज्यादा किसका हो गया SO2, CO2 and H2। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये देखो दिया हुआ है आपको, ये दिया है, व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी, अब आपको दिख रहा है एवरेज बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं हमेशा, वैसे ये चार बॉन्ड का दिया हुआ है कि नहीं है, CH4 में चार बॉन्ड होते हैं, चारों का तोड़कर इतना दिया हुआ है, एक का आपसे पूछ रहा है, तो 4 का कितना है 1664, तो एक का कितना होगा 1664/4, ठीक है, 4 ये आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट,
कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज, चलो रिएक्शन लिख लेते हैं, ए टू बी प्लस सी, इफ 10 8, अगर ये 10 था पहले, इनिशियली कितना रहा होगा 0 0, आफ्टर टाइम 20 मिनट्स, टी इक्वल टू 20 मिनट, 10 माइनस कुछ निकला होगा एक्स, ये एक्स, ये एक्स। अब बोला है आफ्टर टाइम 20 मिनट द प्रेशर बिकम्स, टोटल प्रेशर बिकम्स 12 एटमॉस्फियर। तो पहले 10 था, अब जो 20 मिनट के बाद जो प्रेशर होगा वो इन सभी के सम के क्या होगा, इक्वल। तो देखो 10 सबको ऐड करो, एक्स एक्स कट जाएगा, 10 प्लस एक्स इक्वल टू दिया है 12, सो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये बात हो गई। अब पूछा क्या आपसे, रेट कॉन्स्टेंट 20 मिनट पे, तो के इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर 2.303 डिवाइड बाई 20 लॉग ऑफ इनिशियल बाई बचा हुआ होता है, इनिशियल कितना था हमारे पास 10, और बचा हुआ अब हमारे पास कितना है, x की वैल्यू हो गई 2, तो 10 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 8। आ गया आंसर, फार्मूला होता है ना a नॉट बाई ए टी, ठीक है, तो उसी को p नॉट बाई पी टी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड, ई एक्सटर्नल इतना है, इफ अप्लाइड एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज ग्रेटर देन दिस देन द। तो देखो गैल्वानिक सेल में ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, एनोड पर होता है नेगेटिव चार्ज, कैथोड पर होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां तक होता है, इधर से इधर, एनोड टू कैथोड, ठीक है। अब ये तब होगा, और ये फ्लो से मान लो कितना डेवलप हो रहा है 1.1 वोल्ट, तो मतलब इस तरफ से अगर फोर्स लग रहा है इधर से इधर 1.1 वोल्ट, आपने अगर अपोजिट में अप्लाई कर दिया 1.1 वोल्ट से ज्यादा ऐसे लगा दिया समझ लो फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर चालू हो जाएगा, इधर से कैथोड से किधर जाने लगेगा, एनोड की तरफ, और ये किस तरह बिहेव करने लगेगा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, देखो कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्लो फ्रॉम अपोजिट पोटेंशियल गैल्वानिक सेल में, तो गैल्वानिक सेल में देखो भाई कैथोड तो किसका रहा होगा, कॉपर का, और ये किसका रहा होगा, जिंक का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन पहले कहां से कहां फ्लो कर रहा था, जिंक से कॉपर की तरफ, अब एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, कॉपर से जिंक की तरफ, और करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा कहां से, जिंक टू कॉपर, उल्टा चलेगा। अब दूसरा देखते हैं, करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, दोनों तो अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर एंड करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, जिंक इज डिपोजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड, ये सही है, क्योंकि देखो पहले इस पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, अब उल्टा होने लगेगा, इधर ऑक्सीडेशन होगा और इधर क्या होगा, रिडक्शन, तो इस पर क्या होगा, ये डिपोजिट होने लगेगा जिंक वाला, ठीक है। यस, फिर से देख लो एक बार, एनोड टू कैथोड, ये जिंक है ये कॉपर है, वैसे क्या होना चाहिए, आइडियली इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करना चाहिए, जिंक से कॉपर, और करंट कॉपर से जिंक, अब आपने अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई कर दिया ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा है, मतलब कॉपर से जिंक, तो करंट किधर से फ्लो करेगा, जिंक टू कॉपर, और इसका मतलब इस पर क्या होने लगा, रिडक्शन, और रिडक्शन होगा तो जिंक क्या होगा, इस पर डिपोजिट होगा। तो देखो ऐसा कुछ आंसर किसमें बन रहा है, थर्ड में ही बन रहा है, बाकी सब उल्टा दिया हुआ है। यस, NaCl, HCl, NaAC, आपको बताना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, NaAC पर रिएक्शन करा दो, HCl का ये बना देगा NaCl plus HAC। तो अब जैसे देखो NaCl का कितना दिया हुआ है 126.4, इसका दिया हुआ है HCl का 425.9, इसका दिया हुआ है, ये उल्टा लिख दिया हमने, फिर
फिर से एक बार NaAC प्लस HCl, ये हो गया हमारा NaCl प्लस HAC। अब NaAC कितना है 91 प्लस HCl 425.9 और NaCl ये हो गया 126.4 प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ HAC कितना हो जाएगा लैम्डा ऑफ HAC इक्वल टू 91 प्लस 425.9 माइनस 126.4। सॉल्व कर लीजिए इसको। बोरेक्स बीज टेस्ट इज रेस्पॉन्ड बाई, देखो बोरेक्स को जब आप हीट करते हैं Na2B4O7.10S2, जब इसको हाई हीटिंग करते हैं तो ये फूल जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड उसका वेपराइज होता है और फिर बनाता है बोरिक सोडियम मेटाबोरेट बनाता है। Na+BO-, और बोरिक एनहाइड्राइड बनता है B2O3। और ये वाला क्या होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जब इसको डीप लो के मेटल जैसे कोबाल्ट वगैरह के साथ में हीट करते हो आप, जैसे मैंने इसके साथ में किया, ये कलर्ड कंपाउंड है तो इसकी कलर्ड बीड है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या होगा, मेटल विच फॉर्म कलर्ड मेटाबोरेट, डीप लो के मेटल्स होते हैं वो कलर्ड मेटा बीड है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो फोर्थ वन, Hoops process is used in the refining of aluminium. ये तो बेटा याद करने वाले, कौन सा मेथड किस में काम में आता है, aluminium. ये आपको दे रखा है, ये molecular formula सेम है तो इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा आइसोमेरिजम है। तो आप यहां पर देखो, आपने यहां पर देखा, यहां पर नाइट्रोजन बॉन्डेड और यहां पर कौन बॉन्डेड है, ऑक्सीजन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं होगी क्योंकि किस टाइप का बन गया, Ma5b, तो यहां पर रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगी। जबकि यहां पर देखो, यहां पर डोनर एटम नाइट्रोजन, यहां पर डोनर एटम ऑक्सीजन है। जब डोनर एटम डिफरेंट होता है, लिंकेज डिफरेंट होता है, तो वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म है। एम्फीडेंटेड लिगेंड है ये, NO2 एम्फीडेंटेड लिगेंड है, जहां पर नाइट्रोजन भी डोनर साइट हो सकती है और ऑक्सीजन भी। और जहां पर भी एम्फीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है वहां पर आप देखते हो लिंकेज आइसोमेरिज्म मिलती है। अनपेड इलेक्ट्रॉन इन NiCO4, निकल की बात करें एटॉमिक नंबर होता है 28, क्या होगा 3D8 4S2 4P0, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, न्यूट्रल एटम है, लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, एस में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, पी के पास में वेकेंट ऑर्बिटल है। अब देखो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CO, तो बैक पेयरिंग करवा देता है एस वाले इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहां पर बैक पेयरिंग करवाने पे क्या मिलेगा, डी के पास में आप देखते हो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, एस यहां पे वेकेंट बचा हुआ है, पी वेकेंट बचा हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा sp3, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 0। क्लियर, तो कितना हुआ 0। एक देखिए इसमें आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स मार्कोनी कॉफ एडिशन। मार्कोनी कॉफ एडिशन में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो अपन देख लेते हैं कार्बोकेटाइन कहां सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो देखो यहां पे बनेगा कार्बोकेटाइन, H प्लस अटैक करेगा, यहां पे भी बन सकता है, यहां पे भी, यहीं पे बनेगा सबसे ज्यादा। और क्यों ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, H प्लस का अटैक हो गया, H यहां पर आ गया, यहां बना कार्बो, क्योंकि यहां से क्या होगा बैक बॉन्डिंग हो रहा है, या रेजोनेंस भी आप कह सकते हैं, बाकी में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें बनाओगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होगा, जबकि इसमें किससे स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस से। तो सबसे फास्ट कौन सा देगा, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, और वो कौन सा हो रहा है हमारा, सेकंड वाला। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक कौन देता है, प्लस आर हो ना, या प्लस एच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ EASR। तो चाहे माइनस आर हो माइनस एच हो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, EASR। तो देखो यहां पे लग रहा है प्लस एच, यहां कुछ नहीं, यहां पे लग रहा है प्लस आर, यहां पे लग रहा है माइनस एच, यहां पे कुछ नहीं लग रहा है, तो प्लस वाले सबसे फास्ट देंगे।
अच्छा यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ रेजोनेंस है और यहाँ क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो रेजोनेंस डोमिनेट करता है, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया थर्ड, फिर कौन सा हो गया फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट। अब ये घटाएगा लेकिन ये ना डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा, तो इससे तो बेहतर ये वाला ही है, तो सेकेंड आ जाएगा और लास्ट में कौन सा आ जाएगा। यस, ये था हमारा सारा ऑर्गेनिक और फिजिकल का, ठीक है। तो ये था हमारा दंगल 6, नेक्स्ट दंगल में मिलते हैं फिर से, थैंक यू वेरी मच।